नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के पन्ने का यह दूसरा भाग है और हम इसमें ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हैं। जिन ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लोगों के मन में संशय होता है उसकी चर्चा की जाती है और आज इतिहास के पन्ने का भाग दो है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यादव कौन थे और यादवों का इतिहास क्या था, ये यादव हैं कौन, इसके बारे में जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में। और पूरी जानकारी मिलेगी, तथ्यों के आधार पर मिलेगी, प्रमाणिकता के आधार पर मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर यादवों के बारे में जानकारी आपको करा दें तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यह बता दूं कि अगर आपने इतिहास का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो एक ऋग्वैदिक काल की घटना है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध एक ऋग्वैदिक काल की घटना है जो आप लोग जानते होंगे और प्रश्न परीक्षाओं में आता रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है, देवता सोम का वर्णन किस मंडल में है और चारों वर्णों का उल्लेख किस मंडल में है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में, छोटे से बड़े हर स्तर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न आपसे भी पूछा गया होगा कि जो दशराज युद्ध हुआ था, यह दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो देखिए, दशराज युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। अब दशराज युद्ध के बारे में अगर आपको बता दें तो दशराज युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, उसकी कहानी के बारे में बता दें तो थोड़ा बहुत अगर इतिहास का अध्ययन आप लोग करते होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं देते होंगे तो आप लोगों को दशराज युद्ध के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो संक्षिप्त में एक उसके बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, दशराज युद्ध क्या हुआ था। ऋग्वैदिक काल में एक राजा थे सुदास नाम के राजा थे और उनके जो पुरोहित थे वह थे विश्वामित्र। आप जानते हैं राज परिवार में पुरोहित होते हैं, तो राजा सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। किसी कारणवश राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ ऋषि को पुरोहित बना दिया। इसी बात को लेकर विश्वामित्र भड़क गए और विश्वामित्र को क्रोध आया, जिसके वजह से उन्होंने कसम खाई कि राजा सुदास, जिस अभिमान में आपने निकाला है, मैं भी आपका पतन कर दूंगा। और यह विश्वामित्र यह कहकर चल देते हैं और उस राजा सुदास के विपरीत वह 10 राजाओं का संगठन तैयार करते हैं, मतलब 10 क्षेत्रों में जाकर 10 राजाओं को जुटाते हैं और उनको संगठित करके वह राजा सुदास पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह जो दशराज युद्ध हुआ था वह रावी नदी के तट पर हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर। अब वह 10 राजाओं का संघ कौन था जो राजा सुदास से युद्ध किया, यहां से आप लोग समझ जाएंगे। यह घटना जो है ऋग्वेद में वर्णित है। देखिए, वह 10 राजा कौन से थे। अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुह, अनिल, पक, भलानस, सिवी और विशाड़िन। अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुह, अनिल, पक, भलानस, सिवी और विशाड़िन। यह कुल 10 राजा थे और 10 राजा संगठित होकर विश्वामित्र के परामर्श से संगठित होकर, विश्वामित्र से प्रेरित होकर राजा सुदास पर अटैक करते हैं। लेकिन निर्णय ऐसा निकल कर आता है कि उसमें राजा सुदास जो होते हैं विजयी होते हैं और 10 राजाओं का संगठन हार जाता है। तो यहां आप लोग को बता दूं कि देखिए, जो यादव हैं वह यदुवंशी होते हैं और उनका वर्णन ऋग्वेद में है। अनुपुरु तु यदु, जो चौथा जन जो था, 10 जन के बीच में युद्ध हुआ था, जो चौथा जन था वह यदु था, उसका वर्णन ऋग्वेद में है। अब आप लोग को बता दूं, यह जो क्षत्रियों का 10 कबीला था, अनुपुरु तुरु यदु दुह अनिल पक्त भलानस और श्री विशाड़िन, यह क्षत्रियों का जो 10 कबीला था इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दशराज युद्ध के तहत। और यही जो क्षत्रियों का 10 कबीला था इसका वर्णन महाभारत में भी है। तो आप लोग को बताते हैं, यही उसमें जो यदु जो थे वह क्षत्रियों का एक कबीला हुआ करता था। अब आप लोग कहेंगे कि अगर वह यादव थे, यदु कहिए या यादव कहिए, वह यादव थे तो आज के यादव क्या है और भगवान श्री कृष्ण कौन से यादव हैं, क्या यादव हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर संक्षिप्त बातें करें तो भगवान श्री कृष्ण एक महान विभूति थे, महान और भगवान भी थे।
तो देखिए वह जो क्षत्रियों का जो कबीला था यदु कबीला था, वह यदु कबीले के ही थे, वह यदुवंशी ही थे। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, वह जन्म के समय उनके माता और पिता थे वासुदेव और देवकी। जो वासुदेव और देवकी थे वह यदुवंश के क्षत्रिय थे और यदुवंश के राजा थे। अब नंद बाबा और यशोदा क्या होती हैं? देखिए नंद बाबा और यशोदा जो होते हैं वह आभीर जात से होते हैं, आभीर जात से होते हैं। और वह नंद बाबा जो थे वह वासुदेव के मित्र थे। संकट के समय वासुदेव ने अपने मित्र को याद किया और अपने मित्र के पास अपना दुधमुहा बालक छोड़ आए थे। तो आप लोग समझ लीजिए, वासुदेव इस तरह से एग्जाम्पल के तहत आप लोग समझ सकते हैं, वासुदेव और नंद वह यादव थे जो आज के यादव हैं, मतलब वह आभीर जात से थे, लेकिन वह वासुदेव और देवकी जो थे वह यदुवंश के क्षत्रिय थे। अब आप कहेंगे कि वह यदुवंश के क्षत्रिय कहाँ चले गए, अब वह यदुवंश के क्षत्रिय नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भी मान्यता है महाभारत के कथनानुसार, महाभारत के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर यह आरोप भी लगाया कि आप इस युद्ध को परामर्श के तहत टाल भी सकते थे, संधि समझौता करा सकते थे, लेकिन आपने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया जिसमें लाखों लाखों लोग मारे गए और इसमें 100 जो कौरों का जो 100 कौरों थे वह भी इसमें धराशायी हो गए, वह भी मारे गए, मतलब इस जन धन की हानि के कारण आप हैं, और जिस तरह से आपने यह उतना पूरा सर्वनाश किया है, हमारे सभी कुल का नाश कर दिया है, ऐसा भी आएगा जब आपके भी कुल का नाश हो जाएगा, यदु नामक जो क्षत्रिय हैं वह खत्म हो जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण को साफ से क्या भय, लेकिन गांधारी एक भक्त होती है भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए वह उस श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में ही यदुवंश के जो क्षत्रिय थे वह समाप्त हो गए। तो आप समझ सकते हैं वह क्या है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो आभीर जात के लोग थे अब वह यादव कैसे बने। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का पूरा बचपन जो बीतता है, बस सिर्फ जन्म लेते हैं वासुदेव और देवकी से, लेकिन उनका जो पूरा बचपन बीतता है वह नंदगांव में बीतता है, वह ग्वाले और गोपियों के बीच बीतता है, आभीर लोगों के बीच में उनका पूरा जन्म, उनका पूरा का पूरा समय व्यतीत होता है। तो जो आभीर जात के जो लोग थे वह उनके अनुयायी हो गए थे, जो भी गोपियां थी, जो भी ग्वाले थे वह उनके अनुयायी हो गए थे, उनसे प्रभावित हो गए थे। और आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल में भी देखा होगा कि जो गोपियां होती थी, जो ग्वाले होते थे, पूरा नंदगांव उनका दीवाना होता था, उनसे प्रेरित होता था। तो जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद द्वारिका चले जाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में लग जाते हैं, तो जो उनके अनुयायी थे, जो आभीर जात के लोग थे, बरसाने के जो लोग थे, जो नंदगांव के लोग थे, मतलब उस क्षेत्र के जो लोग थे, जो उस क्षेत्र के आभीर जात के लोग थे, उन्होंने यादव सर्वप्रथम लिखना शुरू किया, मतलब लिखना नहीं शुरू किया, वह स्वयं को यादव ही समझने लगे, यादव उपनाम को ही बस स्वीकार करने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने जब शरीर का त्याग कर दिया, सशरीर स्वर्ग में चले गए, वैकुंठ चले गए, तब ऐसा भी मान्यता है कि उसके बाद नंदगांव के जो लोग थे, जो नंदगांव के जो आभीर जात के लोग थे, उन्होंने स्वयं को यादव माना, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी माना, तो उन्होंने स्वयं को यादव माना, और उन्हीं से प्रेरित होते हुए जितने भी उत्तरी भारत के जितने भी आभीर जात के लोग हैं वह भी यादव स्वयं को स्वीकार किए। लेकिन यादव और यदुवंश के जो क्षत्रिय थे उसमें भेद है, उसमें भिन्नता है, अंतर है। अच्छा लगा कि आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक ऐतिहासिक घटना थी, जानकारी होनी चाहिए। वैसे सत्य तो यह है कि भगवान को जात के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, और भगवान धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, रंग, नस्ल सबसे परे होते हैं, वह एक प्रेरणा देकर जाते हैं दोस्तों, और लोगों को सीखना चाहिए इससे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी कोई भी ऐतिहासिक घटना होगी जिसके बारे में चर्चा प्रचर्चा आप करना चाहें, जिसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। जय श्री कृष्ण।